कौन से मरीज़ को इजाज़त है रोज़ा रखने या ना रखने की। तो इसमें तीन हालतें आ गई कंडीशन में। एक तो ये है कि उसके अंदर इतनी कुव्वत है ही नहीं कि उस कुव्वत के होते हुए वो मरीज़ रोज़ा रख सके, और अगर रोज़ा रखता है तो उसके लिए बायस मशक्क़त होगा, उसको मशक्क़त में डालने वाली होगी। एक हालत ये हो गई यानी उसको मशक्क़त में डालने का, मुश्किलात में डालने का रोज़ा ज़रिया और सबब बनेगा, तो इस मर्ज के साथ साथ उसे रोज़ा नहीं रखना है बल्कि वो रोज़ा छोड़ देगा। दूसरी कंडीशन कि मशक्क़त से आगे बढ़ कर के ज़रर के पहुंचने का अंदेशा हो, मशक्क़त से आगे ज़रर के पहुंचने का अंदेशा हो। एक तो यह है कि जिस्मानी एतबार से इंसान अपने जिस्म को इतना थका ले रहा है कि मज़ीद उसकी कमज़ोरियां बढ़ती जा रही हैं और अपनी क़ुव्वतों को ज़ाया कर रहा है मशक्क़त। और ज़रर का मतलब ये है कि इंसान को नुकसान पहुंच रहा है, इंसान को नुकसान में, अपने आप को नुकसान में डाल रहा है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर मना करता है कि आपको अगर ज़ख़म है तो पानी उस ज़ख़म पर ना लगे। भाई क्या हुआ अगर आप वज़ू बनाएंगे तो ज़ख़म पर पानी लग गया तो क्या हो जाएगा? ज़ख़म ख़राब हो जाएगा और नुकसान में पड़ने का अंदेशा है, ज़रर, इसको ज़रर कहा जाता है कि वो बीमारी बिगड़ जाएगी और वो उज़ ख़राब भी हो सकता है या उस बीमारी के अंदर मज़ीद और क़ुव्वत और गहराई आ सकती है जो इंसान के कुछ चीज़ों को ख़राब कर दे। और तो अगर ज़रर का अंदेशा है जिसकी ये शक्ल अभी मैंने ज़िक्र किया तो उसके लिए भी इजाज़त है कि वो शख्स रोज़ा ना रखे, मशक्क़त में पड़ने का, ज़रर उसकी ज़िंदगी में आ जाने का। और तीसरी और आखिरी कंडीशन कि इतनी क़ुव्वत तो पा रहा है कि वो रोज़ा रख ले लेकिन बीमारी उसकी फिर उससे हट नहीं सकती, बीमारी की कंडीशन उसकी वो कम नहीं हो सकती और शिफा के अवकात उसके पीछे चले जाएंगे। तो अगर बीमारी ऐसी है कि इंसान अगर भूखा और प्यासा रहता है तो बीमारी की कंडीशन उसकी और ज़्यादा बढ़ सकती है और लंबा खींच सकती है, अगर ऐसी कोई शक्ल आ रही है, हालांकि वो रोज़ा रख सकता है लेकिन इस चीज़ का अंदेशा है कि बीमारी और लंबी हो जाए, लंबा वक्त ले, तो ऐसी हालत में भी जैसा कि डॉक्टरों की काबिल एतमाद डॉक्टरों की रिपोर्ट के एतबार से वो हर चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उस हालत में भी रोज़ेदार रोज़ा नहीं रखेगा, मुशक्क़त हो, ज़रर हो या बीमारी के और बढ़ जाने का या उसके बीमारी के वक्त के बढ़ जाने का अंदेशा हो कि बीमारी और लंबी मुद्दत तक के लिए फैल जाएगी। तो ये मर्ज की कंडीशन हुई कि इस मर्ज के साथ साथ वो शख्स रोज़ा नहीं रख सकता, उसको कादिर नहीं कहेंगे, वो शख्स कादिर नहीं है रोज़ा रखने पर, वो छोड़ सकता है उस मर्ज की बुनियाद पर।